So right now we are present at Jantar Mandir and we are witnessing one of the major protests conducted by Delhi University students and students from various universities in Delhi. They are all against the cab and NRC situation that is going on in India and how the people are reacting towards it. So do you think that such kind of protest will make the government revoke this NRC and cab? 100% ये प्रोटेस्ट जो जनमत का ये मैं नहीं कहता है, गृह मंत्री जी ने खुद कहा. मैं आपको बता दूं, मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की जो सोच होती है वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है. अगर सोसाइटी जो कहती है ना, सोसाइटी के खिलाफ आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक नया एक दिन जरूर रिवोक होगा एनआरसी जो भी एक्ट बनाए सीएए. इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सोसाइटी कहती है वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो आपको लगता है कि पुराने मुद्दे देखकर आपको लगता है कि इस बारी वाला मुद्दा है जो है आपके पक्ष में रहेगा जनता का? पक्ष में जाए वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष करना हमारा काम है. और जब भी ऐसे अटैक होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी सोसाइटी पे या हमारी यूनिटी पे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सड़कों पे आए. जब पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ें सुनना बंद हो जाती है, तो सड़कों पे आकर लोगों को ये ज़रूरी होता है इस सरकार को बताना कि हम अपने देश को बचाने के लिए यहाँ पर हमेशा रहेंगे, भले ही तुम कितने भी किसी भी तरीके से. और ये सिर्फ सीएए की बात नहीं है, पिछले 5-6 सालों से ये लोग यही कर रहे हैं, हमेशा हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को, यूनिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं. जो हम इतने समय से इस एक्ट के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा निकाल रही है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इस चीज़ के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता नहीं कि सरकार ने अगर ये चीज़ निकाली है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि किसी को भी अफेक्ट ना हो? देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में कि सरकार ने ये क्या सोच के निकाला है, बिकॉज आई हैव लिटरली नो आइडिया. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वी आर सेकुलर नेशन. आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने एक्ट, कितने अमेंडमेंट हुए, लेकिन कभी ये नहीं आया किसी भी एक्ट में हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं किया गया, सिख बुद्ध जैन में डिवाइड नहीं किया गया. अभी कर रहे हैं ये, सो आई हैव लिटरली नो आइडिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. सो क्या लगता है कि मतलब लगातार चलते रहेगा आपकी तरफ से ये चीज? जब तक ये वापस नहीं लेंगे ये एक्ट, तब तक तो चलता रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, और अगर उनमें से किसी को कुछ इतना सा भी हुआ ना, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि मैं भी हूँ मुस्लिम, मुझे भी डिटेन करो. हम अपनी बात नहीं कर रहे, वी आर लाइक पढ़ रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं. मेरे घर के काम वाली बाई के लड़के के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहाँ से प्रूफ करेगी कि वो यहाँ रहती है, सिटीजन है? बहुत लोग हैं वो मुस्लिम है, मुस्लिम, हाँ वो मुस्लिम है, और बहुत बांग्लादेशी आए हुए जो नहीं प्रूफ कर सकते मुस्लिम कि वो क्या है, कहाँ से आए हैं. उनके पास नहीं है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, उनके पास नहीं है